गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए। भू माफिया द्वारा जिंदा जलाकर मारे गए तीन लोगों के परिजनों से मिले डीएम, 1-1 लाख मुआवजे का दिया चेक, जारी रहेगा परिवार की पुलिस सुरक्षा। 10 फरवरी को दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में भू माफिया द्वारा जमीन विवाद में एक परिवार के तीन लोगों को जिंदा जलाकर मार देने की घटना हुई थी। मंगलवार को इस घटना के पीड़ित परिवार से दरभंगा के डीएम राजीव रोशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने मुलाकात की। दोनों ने पीड़ित परिवार की अब तक की स्थिति देखी। पीड़िता निक्की झा और उनकी मां को सरकार की ओर से 2 लाख मुआवजा का चेक प्रदान किया। जिंदा जलाकर मारे गए परिवार की एक पीड़ित निक्की झा ने कहा कि जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उन्हें और उनकी मां को 1-1 लाख का चेक दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को अब भी बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी मिल रही है। उन्होंने राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह पर उनकी बहन और भाई की हत्या कराने का षड्यंत्र का आरोप लगाया। निक्की ने कहा कि उनके परिवार को जो पुलिस की सुरक्षा मिली थी उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा था। 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा और बोले हैं कि हम लोग को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं उनको भी मिल रहे हैं सब साइड हो जाइए नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। केस उठाने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकती है। जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए। जो घटना हुई थी तो बहुत भीभत्स घटना थी और इनको फौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। हुई थी इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई, उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के लिए निर्णय लिया गया था। लिया जैसे सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको लोगों ने जाना है और जो सहायता राशि सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है, तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई घटना थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को जो सामने सामने से आपको बताया द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे हों तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।